हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी के जो हमारे साथी हैं, जो एसएससी कांस्टेबल जीडी में किसी वजह से आउट हो जाते हैं, तो उनके लिए फिर विकल्प बचता है ट्रेड्समैन की भर्तियाँ। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की हम बात करें, या एसएसबी ट्रेड्समैन की बात करें, या आसाम राइफल ट्रेड्समैन की बात करें, कुक ट्रेड से भर्ती यदि आप देख रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुक में किस तरह के क्वेश्चन आपको रिटर्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको ट्रेड में पूछे जा सकते हैं। देखिए, आसाम राइफल और सीआरपीएफ की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर ट्रेड के क्वेश्चंस रिटर्न पार्ट में भी आते हैं। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ या सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में 50 क्वेश्चन आपको ट्रेड से रिलेटेड मिलेगा, और दूसरी भर्तियों में एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, उसमें ट्रेड टेस्ट होता है, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईटीबीपी में ट्रेड टेस्ट होता है, और अभी जो नई भर्तियां आगे आएंगी उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि एक ही कंबाइंड भर्ती होगी, जिसको एसएससी किचन स्टाफ और एसएससी एमपीएस जो फोर्सेस के जितने भी ट्रेड्समैन होते हैं उनकी, तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं ये हमारे जो 50 क्वेश्चन हैं। देखिए, भोजन के परिरक्षण के लिए नमक तथा चीनी का उपयोग किया जाता है। प्रिजर्वेटिव है नमक तथा चीनी, कभी कभी आपको ऐसा भी पूछा जाता है निम्न में से प्रिजर्वेटिव है, तो प्रिजर्वेटिव परिरक्षक क्या है, तो यहाँ पर परिरक्षक जो है वो नमक तथा चीनी का उपयोग क्यों किया जाता है, बाइंडिंग जल बंधन के लिए उसका यूज किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। पनीर की बनावट को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पनीर की बनावट को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब इसमें हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो तो इसमें कठोरता के क्यूब्स होते हैं, उसके कठोरता नहीं बता देना है, यदि कठोरता यहाँ पे जो है उसका पनीर का जो है वो स्प्रिंगनेस लचक जो है वो आंसर होगी, कि पनीर का जो इलास्टिसिटी है वो कैसा है। फिटकरी क्या है, फिटकरी है एक, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये आपको किचन स्टाफ से रिलेटेड जितने भी भर्तियां हैं, चाहे आप कुक से भर्ती देख रहे हैं, वाटर कैरियर से देख रहे हैं, यहाँ तक कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको भी ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये सब मिक्स क्वेश्चन हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैथ के टॉपिक्स की तरह कुक के अलग से टॉपिक हैं, मसालकी के अलग से टॉपिक है, मिक्स है, बहुत सारा मैटर जो है वो मिक्स है। तो यहाँ पर फिटकरी जो है वो है कॉगुलेंट, ये उत्तर इसमें हो जाएगा। वसा तथा तेलों का ऑक्सीकरण किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है, तो किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है, धातु तथा किरणें, नमी, सूक्ष्म जीव और उपरोक्त सभी, तो किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है, यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी उत्तर हो जाएगा। कैलोरी शब्द का उपयोग पोषण में किया जाता है, जिसका अर्थ है, अब कैलोरी का पोषण में किया जाता है उसका अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ को खाने पर मिलने वाली ऊर्जा। देखिए, पहले तो विकल्प सारे पढ़ने हैं, आप लोग ये कॉमन गलती क्या करते हो कि सारे विकल्प नहीं पढ़ते, जल्दबाजी में उत्तर करने की कोशिश करते हो। अब यहाँ पर तो हमारा उत्तर जो है वो ए ही होगा कि खाद्य पदार्थ को मिलने पर, खाने पर मिलने वाली ऊर्जा जो है ही हो जाएगा उत्तर, लेकिन फिर भी प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। कौन सा मोटा अनाज देश में ग्रामीण जनता की मैक्रोन्यूट्रिएंट आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि ज्यादा पोषण के लिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट कम पोषण के लिए, तो यहाँ पर मोटा अनाज जो है वो हमारे देश में रागी जो है, बाजरा या रागी जो है वो हमारे देश में मैक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति के लिए आवश्यक। अब देखिए, आप किचन में काम करते हैं, किचन में फायर, किचन में आग लगना जो है वो एक बहुत ही, इसको कहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, और क्यों लगती है कि थोड़ी सी लापरवाही हुई, आपने किचन में पैन में आपने तेल डाल दिया और उसको आप भूल गए, तो निश्चित रूप से वो जलेगा, और यदि उसके ऊपर आपका लकड़ी का जो कैबिनेट्स वगैरह बने हुए हैं वहाँ तक वो आग पहुँच जाती है। किचन में फायर यदि होता है तो जनरली कैसे होता है, लापरवाही की वजह से होता है। अब किचन में देखिए, किचन में फायर जो है यहाँ कहा है कि अगर एक पैन में एक छोटी ग्रीस आग लग जाती है, ग्रीस आग यानी तेल की वजह से आग लग जाती है, तो क्या करेंगे,
क्या करेंगे, आग बुझाने के लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। पैन के ढक्कन को ध्यान से खिसका कर आग के लपटों को बुझाएं। सुनिश्चित करें कि आपने ओवन मिट पहना है, बर्नर को बंद करें। आग पर पानी डालें, पैन को सिंक में रखें और इस पर पानी चला दें। इसमें से क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर जो है उत्तर जो है हमारा बी होगा कि उसको ओवन मिट क्या होता है कि आपके हाथ जले नहीं, उसके लिए दस्ताने जो होते हैं उनको ओवन मिट कहा जाता है। फलों तथा सब्जियों को पकाने में सहायक है, तो ये तो एसिटिलिन है। फलों तथा सब्जियों को पकाने में सहायक है, एसिटिलिन हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हमारे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के जो साथी हैं उनको मिलेगा।